दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस कार कंपनी की जिसके नाम दुनिया का पहला कार बनाने का पेटेंट मौजूद है। हम उसे मर्सिडीज़ बेंज के नाम से जानते हैं। दोस्तों मर्सिडीज़ एक जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी है जो लग्जरीज कार प्रोडक्शन करती है, और यह कार को खरीदने का सपना तकरीबन हर कार प्रेमी का होता है, क्योंकि मर्सिडीज़ की कार लोगों के लिए अच्छी लाइफस्टाइल का भी सिंबल मानी जाती है। मर्सिडीज़ बेंज दुनिया की सबसे पुरानी कार कंपनीज में से एक है, जिसकी शुरुआत दो लोगों की कंपनी ने मिलकर किया था, जिनमें पहली कंपनी थी कार्ल बेंज की, जिनके नाम दुनिया का पहला कार बनाने का पेटेंट मौजूद है, और दूसरी कंपनी गॉटलिब डेमलर की। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 1886 से, जब कार्ल बेंज ने बेंज पेटेंट मोटर वैगन नाम से पहली कार का पेटेंट लिया था, क्योंकि वो इस आविष्कार से मुसाफरी का पूरा तरीका बदलना चाहते थे। साथ ही साथ उसी साल गॉटलिब डेमलर ने भी एक इंजीनियर के साथ मिलकर घोड़े से चलने वाली कार को आगे से पेट्रोल इंजन के साथ जोड़ा था, पर यह आविष्कार कार्ल बेंज ने पहले ही कर दिखाया था। पर गॉटलिब डेमलर की कार को ज़्यादा लोकप्रियता मिली क्योंकि उन्होंने पहले ही कॉमर्शियल यूज़ के लिए अपनी कार को मार्केट में उतारा। आगे चलकर 1897 में एक जाने माने बिजनेसमैन एमिली जेलिनिक ने अपनी पहली कार डेमलर से खरीदी, और इस कार से वो काफ़ी खुश हुए और डेमलर को और भी कारें बनाने का ऑर्डर दिया। पर इस डील में एक कंडीशन रखी गई थी कि जो भी कार बनाई जाएगी उसे मर्सिडीज़ ब्रांड के अंतर्गत रखा जाएगा, क्योंकि मर्सिडीज़ वो एमिली जेलिनिक की बेटी का नाम। इसी तरह मर्सिडीज़ की पहली कार 1901 में डेमलर मोटर कॉरपोरेशन के अंतर्गत मार्केट में उतारी गई, और इस कार को रेसिंग कंपटीशन में भी उतारा गया। वहां पर इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होने की वजह से मर्सिडीज़ कार रातों रात अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हो गई। पर आगे चलकर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से जर्मन कार कंपनीज का बुरा दौर शुरू हो गया, क्योंकि जहां पर एक और जर्मन गवर्नमेंट ने भारी भरकम टैक्स लगा दिए थे कार कंपनीज पर, और जर्मनी में उस वक्त पेट्रोल की भी काफ़ी शॉर्टेज चल रही थी। एक तरीके से दोस्तों आप यह भी कह सकते हैं कि जर्मनी की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डूबने के कगार पर आ चुकी थी, पर इस मुश्किल हालातों से अपने आप को बचाने के लिए डेमलर मोटर कॉरपोरेशन ने मर्सिडीज ब्रांड के अंतर्गत बाइसिकल और टाइपराइटर बनाना शुरू कर दिया। पर इससे भी कंपनी को कुछ खास सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, और ऐसा ही कुछ हाल कार्ल बेंज की कंपनी का भी चल रहा था। इसीलिए कार्ल बेंज ने 1919 में डेमलर मोटर कॉरपोरेशन के सामने साथ काम करने का ऑफर रखा, पर डेमलर ने इस डील को ठुकरा दिया। और 5 साल संघर्ष करने के बाद डेमलर को भी यह समझ आ गया कि अगर दोनों कंपनीज मिलकर काम करें तो अच्छे से सर्वाइव कर सकेगी। इसीलिए 1924 में दोनों ने मिलकर डील पक्की कर ली। फिर ऐसे ही दोनों ने मर्सिडीज़ बेंज नाम से अपनी कारों को मार्केट में उतारा। देखते ही देखते तरक्की होने लगी, और एक ही साल में मर्सिडीज़ बेंज ने अपनी 8000 कारों की यूनिट की बिक्री कर ली थी। साथ ही साथ इसी साल मर्सिडीज़ बेंज ने डीजल से चलने वाली ट्रक को भी लॉन्च किया था। 1930 से 1943 तक मर्सिडीज़ का 770 मॉडल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, और कहा जाता है कि उस वक्त जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी इसी कार को यूज़ किया करता था। दोस्तों यह कार आज भी ओटावा के वॉर म्यूजियम में रखी गई है, पर उस वक्त 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाने की वजह से 1944 में हिटलर की नाजी सेना ने मर्सिडीज़ के 46,000 से भी ज़्यादा वर्कर को जबरदस्ती सेना में काम करवाया था। हालांकि बाद में 1945 में वॉर ख़त्म होने के बाद वर्करों की फैमिली को कंपनी ने $12 मिलियन पे किए थे। ऐसे ही आगे चलकर कंपनी ने और भी तरक्की की और अपनी कारों के अलग अलग मॉडल लॉन्च किए, जिस वजह से मर्सिडीज़ कार की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ऐसे ही समय समय पर कंपनी ने अपनी कई और भी नई टेक्नोलॉजी के साथ कार के नए मॉडल लॉन्च किए, और ऐसे ही सफलता के कदम छूती चली गई। और आज तकरीबन 100 साल बाद भी मर्सिडीज़ इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन होने के बावजूद भी अपने नाम को टॉप पर बनाई हुई है, और आज मर्सिडीज़ 30 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में अपना बिजनेस ऑपरेट करती है। और अगर इंडिया की बात करें तो पुणे, चेन्नई और हैदराबाद जैसे बड़े सिटीज़ में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाकर यहीं पर ही अपनी कार को मैन्युफैक्चर करती है।
लास्ट में बस इतना ही दोस्तों कि इस कंपनी ने न जाने कितने संघर्षों के बाद भी इतना लंबा रास्ता तय किया। हालांकि इतनी ज़्यादा परेशानियों के बावजूद भी कंपनी ने अपने स्लोगन द बेस्ट और नथिंग के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।